दिनिकिया विश्वकप क्रिकेट रे टीम इंडिया रो विजय धारा जारी। न्यूजीलैंड रो विजय धारा रे ब्रेक लगाई पॉइंट टेबल शीर्ष रे रोहित पाहिनी टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 4 विकेट रे हराई पंचम विजय हासिल करिछि। या सहित भारत दीर्घ 20 वर्ष पर न्यूजीलैंड विपक्ष रे एक विश्वकप मैच जीति पराजय धारा को भांगिबारे सक्षम होइछि। ए मैच रे मोहम्मद सामी के दमदार बोलिंग सहित विराट कोहली के दमदार बैटिंग देखा मिली। धर्मशाला में खेला जाता एक मैच में विराट कोहली 95 रन करते 284 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करने पड़िया कोल्हाइला भारत। प्रथम विकेट जोड़ी 71 रन करते अधिनायक रोहित शर्मा क्रीज्रे जमी आसुवा बेले फर्गुसन बल में आउट होते सुभमन गिल 26 रन कर पैवलिन को फेरी श्रेयस आयर 33 केएल राहुल 27 रन करते सूर्यकुमार यादव मात्र 2 रन करनआउट होते सेतबेळको भारत स्कोर होता 5 विकेट 191 रन। तेरे विराट कोहली सहित रवींद्र जाडेजा जोगदे विजय अभिमुखे भारत को नहीं जाते। जाडेजा धैर्यपूर्ण बैटिंग विराट कोहली दर्शनीय इनिंग भारत को सहज विजय देता। कोहली 95 रन करका मार्गपाई उद्यम कर क्याच देते तेरे सेतबेळको विजय द्वारदेश में पहुंच सारी भारत। सेपटे रवींद्र जाडेजा 39 रन कर अपराजित रही नुआ बल जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज चमत्कार बोलिंग आरंभ करते। मोहम्मद सामी न्यूजीलैंड बैटर को अड़ुआ पकड़ते 19 रन करे दुई ओपनर को हरईला न्यूजीलैंड। तेरे राचिन रवींद्र और डारियल मिचेल पाड़ी संभाला सहित धुआंधार बैटिंग करते राचिन रवींद्र 75 रन और डारियल मिचेल 130 रन कर बड़ स्कोर आड़क न्यूजीलैंड को नहीं। ए दुईजण छड़ा न्यूजीलैंड अन्य बैटर भारतीय बोलिंग आड़े आत्मसमर्पण कर मोहम्मद सामी 5 विकेट नहीं न्यूजीलैंड को अटकई कुलदीप यादव 2 विकेट नहीं बेले बुमराह और सिराज को गोटे लेखाएं विकेट मिलता। 50 ओवर समस्त विकेट हर 273 रन करने समर्थ होता न्यूजीलैंड किसी सहज क्याच भारतीय फिल्डर हाथछड़ा करने को देखा मिली। 54 रन दे 5 विकेट नहीं मोहम्मद सामी को प्लेयर अफ द मैच घोषणा कर। शानदार मैच रहा भारतीय टीम को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लगातार 5वीं जीत और न्यूजीलैंड को हमने बहुत लंबे समय से हराया नहीं था। शानदार पारी जिस तरह से विराट कोहली ने खेली और रविंद्र जडेजा ने जैसे साथ दिया और शमी के जो 5 विकेट का हॉल सोने पे सुहागा। एक बार फिर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई और धर्मशाला में ये हुआ इससे खुशी की बात और क्या होगी। बहुत खुश हूं न्यूजीलैंड को हराया। टॉप 1 की टीम थी अभी हमारा टॉप 1 हो गया और विराट का शतक मिस कर रहा हूँ वो बनाने सेंचुरी नहीं बनी सचिन की बराबरी कर लेते। 2019 का बदला ले लिया इंडिया ने। इंडिया इज ग्रेट। आज माता जी के 8वें है और इंडिया जी के बेस्ट में बेस्ट है और विराट कोहली मिस सकत वो हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। बहुत खुशी हो रही है पर विराट कोहली 95 पर फिर भी इंडिया जीत गए। 2019 का न्यूजीलैंड के साथ महेंद्र सिंह धोनी 2 रन से आउट हुए थे उसका बदला ले लिया। सो हैप्पी जय माता जी। उसको देख के लग रहा कि शायद इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत ही जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी जो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इंडिया की बॉलिंग काफी अच्छी रही है बैटिंग काफी अच्छी रही है। रोहित शर्मा फॉर्म में है विराट कोहली फॉर्म में है। इसके अलावा जो हमारे जो मेन बॉलर थे कुलदीप यादव हुए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए तो इसको देख के लग रहा है कि हाँ इस बार इंडिया के बहुत अच्छे खासे चांस है कि वर्ल्ड कप आएगा। दिमास घर छाड़ी जाइले आसिले बेलू घर सारा उन्दा पिंपुड़ी मशा मछी किंतु थैंक्स टू अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल जल्दी मो घर निर्मल करदे। आज्ञा हाँ उन्दा पिंपुड़ी मशा मछी को माड़ी आसा डर जेबे आसा अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल। अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल कल 9337333999।